स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनल लेटर्स के बारे में। पर्सनल लेटर कैसे लिखते हैं, कैसे स्टार्टिंग करते हैं जो बेहतर नंबर आता है। अभी 12th का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आप पर्सनल लेटर लिखने के लिए अगर आपको कहा जाए तो कैसे लिखिएगा जो बेस्ट नंबर आपको मिले, अर्थात 100% आपको नंबर मिले, 5 का 5 नंबर मिले तो कैसे लिखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट लेटर से जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो देखते हैं क्या लिखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर, आप अपने पिता को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी, उनसे आग्रह करिए कि आपको कुछ रुपये भेजें। आप अपने पिता को एक आवेदन पत्र लिखना है, लेटर लिखना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप मुझे कुछ रुपये भेजना है। तो उसमें आप कैसे अपने ज़रूरतों को फिट करेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। लिखा हुआ है माई डियर फादर, यहाँ से आपको शुरू करना। लेकिन आपको लेटर के कई भाग होते हैं, उस सभी को समझना होगा। आपको राइट साइड में, जैसे कि आप अपना एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं, तो फर्स्ट में लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, अपना जहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि दानापुर पटना, आपका सेंटर है दानापुर पटना, तो वहाँ लिखेंगे दानापुर पटना और फिर वहाँ डेट लिख देंगे, 22 फरवरी, 20 फरवरी, 25 फरवरी, जितना कोई एग्जाम हो रहा है वो आपको मेंशन कर देना है। क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, फिर जहाँ पर एग्जाम हो रहा है उसका एड्रेस शॉर्ट में लिखना है और डेट लिखना है, इतना मेंशन। ये आपको एक नंबर देता है। अगर आप ये लिखना छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं, तो आपको एक नंबर कट जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि पहले लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, फिर वहाँ का एड्रेस लिखना है और फिर डेट लिख देना है। तब शुरू करना है यहाँ से। ये ग्रीटिंग लाइन कहलाता है, अभिनंदन के लिए लिखते हैं कि माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिता, आई एम हैप्पी हेयर, मैं यहाँ खुश हूँ, आई विश डैट यू विल बी हैप्पी देयर, और यह आशा करता हूँ कि आप भी घर पर या जहाँ आपके पिता रहते हैं वहाँ के बारे में लिखते हैं कि आप भी खुश रहेंगे, ऐसी कामना करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आई हैव नॉट हियर एनीथिंग फ्रॉम यू सिंस लॉन्ग, आप लोग ने मुझे बहुत दिनों से कोई पत्र नहीं लिखा है, क्योंकि अभी टेलीफोन का ज़माना आ गया, हम लोग भी फ़ोन पे बात कर लेते हैं। लेकिन लेटर राइटिंग में ये बातें मेंशन नहीं करना है, उसमें क्या लिखना है कि मैंने आपकी बातों को बहुत दिनों से नहीं सुना, अर्थ क्या है कि आपने बहुत दिनों से मुझे पत्र नहीं लिखा है। अभी तो हम लोग फ़ोन पे तुरंत मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप पे कर देते हैं या कॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन राइटिंग या लेटर राइटिंग का अर्थ होता है कि उस समय के बारे में जब ये सब प्रचलन में नहीं था, उसकी क्या लाइनिंग्स होगा, किस प्रकार से लिखेंगे इसके बारे में। तो आई हैव नॉट हियर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू सिंस लॉन्ग, बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं आया है, Perhaps you are angry with me, शायद मुझे लगता है कि आप मुझसे क्या हैं, नाराज हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, किन्हीं कारणों पे गुस्सा हो गए हैं, इस बातों को आप क्या कर रहे हैं, खेद व्यक्त करते हुए बता रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे कि हमने बहुत दिनों से पत्र नहीं लिखा तो मेरे बेटे में कुछ एहसास है, फील किया है। तो ये Perhaps you are angry with me, मुझे लगता है कि शायद आप मुझसे क्या हैं, नाराज हो गए हैं। My examination is at hand, मेरा एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया। At hand का मतलब होता है बहुत करीब होना, मेरी परीक्षा जो है, मेरा एग्जामिनेशन है, बहुत करीब आ गया है। You will be glad to know that I am working hard for my examination, आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कड़ी मेहनत के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के माता पिता सभी चाहते हैं कि अपने बच्चे उनके बच्चे आगे बढ़ें या जानना चाहते। तो ये यहाँ पे आप वही मेंशन करना है कि यू विल बी ग्लैड, आपको यह जानकर काफ़ी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन, मैं अपनी परीक्षा की कड़ी मेहनत से क्या कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आई हैव टू परचेज सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं, मुझे कुछ किताबें खरीदनी, क्योंकि उन्हें पैसा भेजने के लिए ही आपको लेटर लिखने के लिए कहा गया। और जब पैसा भेजने के लिए लेटर लिखने के लिए कहा गया तो पैसा क्यों मांग रहे हैं उसका आपको कंडीशन मेंशन करना होगा सटीक आपको लेटर लिखने के लिए। तो आई हैव टू परचेज सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, सो आई नीड सम मनी, इसलिए मुझे कुछ रुपये की ज़रूरत है। क्या है, कुछ रुपये की ज़रूरत है, प्लीज़ सेंड मी 500 रुपीज़ सून, जल्द से जल्द मुझे 500 रुपये भेज दें, जल्द से जल्द मुझे कितने रुपये भेज दें, 500 रुपये भेज दें। प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट
टू माय स्वीट मॉम, मेरी तरफ से मेरी माँ को अभिनंदन कहिएगा, मेरी तरफ से संदेश दे दीजिएगा मेरी माँ को कि आपका बेटा का लेटर आया था और उसमें आपको पाँव छुआ है, प्रणाम किया है। अर्थात कहने का मतलब है कि मेरी तरफ से मेरी माँ को कंप्लीमेंट देना है। एंड बेस्ट विशेस माय स्वीट सिस्टर अनन्या, और मेरी अनन्या के भविष्य के लिए विशेस दे दीजिएगा कि आपका भाई का मैसेज था, लेटर आया था जिसमें तुम्हें आशीर्वाद दिया है। मेरी छोटी बहन को, प्यारी बहन को क्या है, आपको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से कह देना है और फिर लिखना है विथ रिगार्ड्स। ये आपको एक पॉइंट देके जाता है, विथ बेस्ट रिगार्ड्स से आप इसको एंड करेंगे और यहाँ लिखेंगे योर लवली सन, योर आपका प्यारा पुत्र, योर लवली सन, और अपना नाम लिखकर उसको क्या करना है, एंड करना है। ध्यान रखना, उसके बाद आपको इस प्रकार से बॉक्स बनाकर, टू के साथ क्या करना है, अपने पिता का नाम कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, पिता का नाम, भाई का नाम जिसको आप लिख रहे हैं लेटर, पिता का नाम, पता, जैसे कि हमने लिखा है इन फ्रंट ऑफ JPNS हाई स्कूल दरहन स्टेट विभूतिपुर समस्तीपुर, वह पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखिएगा पिन कोड के साथ, पिन कोड के साथ एड्रेस को कंप्लीट माना जाता है, कंप्लीट एड्रेस लिखिएगा। और इस प्रकार से आपको एक नंबर यहां से, तीन नंबर जो है, दो नंबर से तीन नंबर आपको बॉडी पार्ट से मिलेगा, एंडिंग पॉइंट से एक नंबर मिलेगा, और एक नंबर आपको यहाँ से कहाँ से एड्रेस जो मेंशन करेंगे उससे मिलेगा। इस प्रकार से आपके पांच नंबर के ये लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग रहेंगे। इस प्रकार से पूरे कैटेगरी को फुलफिल करना है। इसको आप छोड़ देते एक नंबर कट जाएगा, इसको छोड़ देते तो एक नंबर कट जाएगा, बॉडी पार्ट नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स ही नहीं मिले। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों को सजाना है, यह बेस्ट तरीका है, और इस प्रकार से लिखते हैं तो मुझे आशा है कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिलता है तो लाइक जरूर करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।